देश का विभाजन ही धर्म के और मजहब के नाम पर लोगों ने किया, क्योंकि इस्लामियों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश दिया जाए। भारत के टुकड़े कर हुए और जिसकी पीड़ा, जिसके जख्म अभी तक हरे हैं, क्योंकि ये अप्राकृतिक विभाजन है। लेकिन इसके बाद भी अपनी मान्यताओं को मान देना, जिनको महत्वपूर्ण लगा, उनकी मंशा पूरी कर दी गई। और जब यद्यपि नेताओं ने कहा था कि हमारी लाश पे विभाजन होगा, लेकिन हुआ। ये भी एक तरह का समझौता ही था कि कुछ लोग संतुष्ट रहें, तृप्त रहें। तो स्वाभाविक रूप से जब धर्म मजहब के नाम पर देश का विभाजन हुआ, तो जो शेष भारत है वो तो अपने आप ही सनातनियों का हिंदू राष्ट्र है। बस यही हमने कहा और यही सत्य है और यह अकालबाधित सत्य है। और जहाँ तक मैंने धर्मनिरपेक्षता की बात की है, देखिए धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बिना जाति धर्म मजहब को देखते हुए सबकी व्यवस्था, सबके लिए प्रयत्न करने का प्रयास करती है। यही हम भारतीयों की हृदय में गहरी मान्यता है। इसलिए हमने हर तरह की विचारधारा के लोगों को अपनी धरती पर शरण दी और उनको पनपने और फलने का अवसर दिया। लेकिन जब विषय ये आता है कि हमारी सनातन की परंपरा का अतिक्रमण किया जाता है, अपमान किया जाता है, अभी अगर आपने केरला स्टोरी फिल्म देखी होगी, किस तरह हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको गलत रास्तों पे धकेला जा रहा है, इस विषय पे हमारे समाज को सजग होने की ज़रूरत है। क्योंकि उदारता, विनम्रता, करुणा, ये सब तो हमारा मूल स्वभाव है, लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा करना, ये हमारी अस्तित्व नीति होनी चाहिए। यही मेरा सबसे निवेदन है।